वाराणसी के नगर निगम शहीद उद्यान में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं जिले के प्रभार मंत्री आशुतोष टंडन ने शिरकत की। शताब्दी समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शताब्दी समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ पीएम के द्वारा किया गया, जिसके बाद उनका उद्बोधन सुना गया। आशुतोष टंडन ने बताया कि चौरी चौरा में एक शताब्दी पूर्व असहयोग आंदोलन के दौरान आजादी के लिए लड़ने वालों पर काफी अत्याचार किया गया था, जिसका विरोध किया गया और थाने में 19 लोगों को जला दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 222 लोगों पर मुकदमा कायम किया था। एक शताब्दी पहले चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के दौरान के ऊपर जो ब्रिटिश हुकूमत ने अत्याचार किया और उसके प्रतिरोध स्वरूप आज़ादी के दीवानों ने खाने को फूंक दिया, उसकी आज एक शताब्दी। नवीन जी आईडी ऊपर कर लीजिए ना, ज़्यादा हो गया। चौरी चौरा में ये घटना जो हुई उसने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा दी और 19 लोग उस के अंदर जल गए थाने में और उसके प्रतिशोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने 222 लोगों के ऊपर केस चलाया और 19 को फांसी हुई। वाराणसी में शताब्दी के कार्यक्रम होने का एक और भी कारण है। वैसे आपने देखा चौरी चौरा में जो कार्यक्रम हुआ, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में इन कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। वाराणसी में इस कार्यक्रम का और वृहद रूप से होने का एक कारण यह है कि वो आज़ादी के दीवानों का केस पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था और उनको इस हुकूमत के चुंगल से बचाया। उन्होंने बहुत अपने सारे कौशल का उपयोग करके 200 से अधिक लोगों को उसमें से बचाया। हम आज नतमस्तक हैं आज़ादी के उन दीवानों के प्रति जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया और उनके त्याग और बलिदान के फल स्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और देश को आगे ले जाने के लिए पूरा देश एकजुट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ये हमारे उन आज़ादी के दीवानों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। हम सब आज उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।